हम लोग जगदीशपुर थाना के पास पहुंच गए हैं और यहां चलते हैं, जनता से पूछते हैं उनके मन में क्या है। कौन नेता मतलब आपको चाहिए? हमको नेता कैसा चाहिए जो बेईमानी करता है, देश को बेच के खाता है। मामला गंभीर है। नेता चाहिए? मेरी नजर में वैसा नेता बिहार में कोई नहीं है। जितना परसेंट काम हो रहा है, बिना घूस का कोई कमी नहीं हो रहा है नीतीश जी के राज में। कोरोना के काल बा, चुनावी माहौल बा, और बतावा का हाल बा। तो एक बार फिर से आप सबके भौजी सोनम भौजी आ गई बा रउआ सबसे गप सप करे ले चुनावी मुद्दा पे। अभी हम बानी जा भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड में ब्लॉक के सामने। ऐजा बहुते भीड़ो लगल बा। आई चली जानी यहाँ के जनता से उनकर मन के बात। आई देखल जाओ का का मन में बा। तेजी में कहाँ जा रहे हैं? मास्क कहाँ ने लगाए हैं? मास्क कहाँ ने लगाया है? अच्छा ये बताइए कि चुनाव का समय है, अभी बिल्कुल जो है चुनावी माहौल है चारों तरफ, तो मतलब कैसा नेता चाहते हैं आप? अच्छा नेता चाहते हैं, बढ़िया जो काम करे जो पहले। आप बताइए भैया। हम तो नीतीश कुमार का आदमी है। अच्छा नीतीश कुमार के आदमी है आप बताइए कि चुनाव का समय है तो इस सब जो गर्मा गर्मी चल रहा है पूरा, तो आपका क्या राय है? हम लोग शिक्षक है, इसलिए हम लोग इस बारे में नहीं कुछ बता सकते। कोई बात नहीं है, आपके नजर में नेता कैसा होना चाहिए? नेता जो देश का भला करे, जो काम करे, जो आम पब्लिक का दुख को समझे, उसी को चुना होगा, उसी को जिताएंगे, वही सरकार बनेगा। आप तो सुने क्या बोले, आप बताइए कि नेता कैसा होना चाहिए, कैसा नेता मतलब आपको चाहिए? हमको नेता कैसा चाहिए जो बेईमानी करता हो, देश को बेच के खाता हो। मामला गंभीर है। नेता चाहिए? लॉकडाउन जो लगा इसमें तो अब राशन कार्ड सबका चालू होता है और किसी का बंद हो जाता है, ऐसा नेता चाहिए। और कुछ खूबी नहीं, देश को बेच के खा जाए, ऐसा नेता होना चाहिए। देश को बेच के खा जाए, बताइए भैया, पूरा गंभीर समस्या खड़ा कर दिए। मेरे कहने का ये मतलब है कि अभी चुनाव का समय है, नजदीक है, चारों तरफ चुनाव का शोर है, गहमा गहमी है, तो ऐसे में आपका क्या राय है, कैसा नेता होना चाहिए? आपके जो जनप्रतिनिधि है वो कैसे होने चाहिए? इसके लिए नो कमेंट मैम, अभी तो हम बता नहीं सकते हैं कि नेता कैसा होना चाहिए। ये अभी हम लोग जो यहाँ पर जमा हुए हैं, ये हमारे बुनकरों का नॉमिनेशन हो रहा है कि इसका जो चेयरमैन चुना जाता है उसका इलेक्शन हो रहा है, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले जो जनता की राय जानते हैं। आप बताइए कि भैया कि चुनाव का समय है, ठीक है, चारों तरफ चुनाव का शोर है, तो ऐसे में मतलब आपका राय क्या है, कैसा नेता होना चाहिए? नेता कुछ अपने ढंग का होना चाहिए और विकास होना चाहिए। और ये 25 साल से जो है क्या कहते हैं इलेक्शन नहीं हुआ था बुनकर का, और बुनकर सारे बुनकर यहाँ आए हुए हैं, अब पहली बार ऐसा हुआ है इलेक्शन का। अच्छा। और नेता होना चाहिए अच्छा। चलिए नेता अच्छा होना चाहिए और आगे बढ़ते हैं। अरे बाप रे, सब चचा सब भाग रहे हैं, कहे क्या बात हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं। कोई बात नहीं, कहाँ जा रहे हैं सर? नमस्ते। नमस्ते। अब ये बताइए कि चुनाव का समय है और चारों तरफ चुनाव का गहमा गहमी शोर है, तो ऐसे में मतलब कि आपको क्या लगता है कि क्या कुछ सुधार होना चाहिए? अभी जो विधि आपकी जो व्यवस्था है कैसी है? सब तो अच्छा है, सरकार की तरफ सरकार तो अच्छा काम कर रहा है, सब कुछ अच्छे से कर रहा चल रहा है। और इस बार इलेक्शन में सबसे बड़ा काम किया गया कि कोविड को लेते देखते हुए विकलांग मतदाता और जो जिसका वर्ष 80 साल पूर चुका है या उससे अधिक वर्ष हो चुका है, उन लोगों के लिए वॉलेट पेपर का इंतजाम किया गया है, वो लोग घर से ही अपना पार्सल के द्वारा वोट करके दे देंगे। तो कोविड को देखते हुए सब कुछ अच्छा चल रहा है इस बार, और मैं भी एक BLO हूँ। चलिए अच्छी बात है। चलिए जो इनके नज़र में नेता बहुत अच्छा होना चाहिए। आगे चलिए, आगे पूछते हैं। कहाँ चाचा आप बताइए, कहाँ से आ रहे हैं? हम तो यहीं जगदीशपुर से। आप जगदीशपुर के ही हैं? अभी बताइए आपका जो यहाँ जगदीशपुर का जो व्यवस्था है अभी मतलब वर्तमान में, आप उससे बिल्कुल खुश हैं? नहीं, खुश नहीं है। तो क्या कमी है? कमी है शिक्षा, बिहार में शिक्षा का बहुत मतलब बहुत कमी है। हमारे आने वाले भविष्य जो कहा जाता है कि बच्चे भविष्य का मतलब कि भविष्य का होता है, लेकिन उसका भविष्य तो अंधकार में दिखाई पड़ता है। उसका शिक्षा मतलब शिक्षा का नामो निशान भी ठीक ठाक से नहीं चलता है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसा
चीफ मिनिस्टर आए जो कि हमारे बिहार का शिक्षा कम से कम जबरदस्त दे जो कि पहले चलता था। अभी देखिए लॉकडाउन में पढ़ाई लिखाई का कुछ नामो निशान नहीं है, अब कैसे विद्यार्थी का भविष्य होगा वो तो भगवान भरोसे है। अभी ये बताइए कि चुनाव का समय चल रहा है, चारों तरफ जो है चुनाव का शोर है, चुनाव का माहौल है, तो ऐसे में आपके मन में भी कुछ होगा अपने मन की बात जो आप कहना चाहते हैं अपने प्रतिनिधि के बारे में जो अभी सत्ता में आने वाले हैं या जो वर्तमान में हैं, तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, कैसे नेता होना चाहिए? बढ़िया नेता होना चाहिए और क्या बोल सकते हैं हम। चलिए जो है कि बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अंदर चलते हैं, यहाँ पे ब्लॉक में बहुत सारे लोग खड़े हैं। अच्छा चाचा आप बताइए कि चुनाव का समय है, चारों तरफ देख रहे हैं चुनाव का माहौल है, तो ऐसे में आपके मन में भी कुछ होगा कैसा नेता होना चाहिए? अभी जो आपकी व्यवस्था है जगदीशपुर की जो भी है भागलपुर की, तो क्या आप उससे कितना खुश है, कितना संतुष्ट है? कौन सी इलेक्शन का जो सामने इलेक्शन है वो कोऑपरेटिव का इलेक्शन शायद हो रहा है, इसके बात करें? नहीं नहीं, ये विधानसभा का इलेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं। विधानसभा इलेक्शन जैसे पब्लिक को तो दिक्कत है ही, कहीं पर रोड नहीं, कहीं पर नाला नहीं है, सब तो कलम है, उस सबका सुधार होना चाहिए बस और क्या रहना चाहिए। हाँ तो भैया अभी आपने इनसे सुना कि सुधार होना चाहिए, आपको क्या लगता है? सुधार तो इंडिया में होना चाहिए, बहुत तकलीफ है सबको, जान मजदूर सब भूखे मर रहे हैं, खाली वोट लेने के टाइम में आते हैं वोट लेने के लिए, सुधार क्या दिए? हम लोग भूखे हैं, बम्बई से 6 महीने से आके यहाँ बैठे हैं, कुछ काम धंधा नहीं मिला हम लोग को। तो आपको क्या लगता है कि क्या सुधार होना चाहिए? बहुत काम धंधा नहीं है, पब्लिक भूखे मर रहा है, रोड नहीं है हम लोग को आने के लिए बाजार पे, और क्या सुधार, रोड भी नहीं है। ये इनका कहना है कि बहुत कुछ कमी है बिहार में। आप बताइए चचा तेजी में कहाँ जा रहे हैं? पूरा तेजी में एकदम निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अच्छा ये बताइए कि अभी आप सुने इनसे कि बहुत कुछ कमी है और यहाँ पे जो है कि कोई खुश नहीं है, तो ऐसे में आपका क्या कहना है? ये तो सही है, तो बोला तो वो तो ठीक है कि गाँव का है दोनों रोड न ये न, मतलब आपके नजर में जो भी जो समस्या तो जो भी है इसमें क्या सुधार होना चाहिए, कोई गुंजाइश? तो सुधार तो होना चाहिए ना, ऐसा कोई थोड़ी चाहता सुधार नहीं होना चाहिए, पानी का भी दिक्कत है, ये सब सुधार होना चाहिए। अच्छा आप बताइए चाचा कैसा नेता होना चाहिए, जो भी समस्याएं हैं अभी? अच्छा होना चाहिए, विकास करने वाला होना चाहिए, विकास करने वाला। रोड सही नहीं है, काम नहीं है, बेरोजगारी है, इंसान बेरोजगारी है। आप बताइए आप भी सुन रहे हैं, आपका क्या कहना है? बता दिए हैं ना पहले, इसके पहले हम बताया था। अच्छा आप बता दिए हैं, कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं, इधर पूछते हैं। मैम इधर बता रहा है। हाँ एक पीछे से बताइए चाचा। अरे मैम यहाँ तो रोजगार का सबसे बड़ा परेशानी है, रोजगार ही नहीं है यहाँ, यहाँ कोई भी कोई चीज़ का मदद नहीं करने आता, ठीक है, सबको अपने ही तो जीना पड़ता है। कोरोना महामारी में किस कदर आदमी रहेगा, यहाँ खाने का भी तो परेशानी है, खाएगा पिएगा क्या इंसान, यही चीज़ का परेशानी। यहाँ का कोई भी नेता हो यहाँ तक कोई समान व्यवस्था नहीं करता, सबको अपने ही हाल में जीना पड़ता है मैम, बस और कुछ नहीं। कोई समान व्यवस्था नहीं करता है, सबको अपने हाल में जीना पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। चाची थोड़ा तो बताओ कि चुनाव के समय छह तो केहन नेता हुए चाहिए? बढ़िया नेता। अच्छा बढ़िया नेता हुए चाहिए, और कोनो कमी भी छह जगदीशपुर का छो भागलपुर का छो यहाँ का जो व्यवस्था है ओकरा खुश होना? कमी चाहिए यही कि गरीब का सहारा दो आरोप की। चलिए आइए देखिए हम लोग जगदीशपुर थाना के पास पहुँच गए हैं और यहाँ चलते हैं, जनता से पूछते हैं उनके मन में क्या है। नमस्ते चाचा कैसे हैं? ठीक है। आप ये बताइए कि चुनावी माहौल है, चारों तरफ चुनाव का शोर है, गहमा गहमी है, तो मतलब सब चुनाव के रंग में मतलब रंगा हुआ, आपके मन में क्या चल रहा है? क्या हम अभी क्या बोल सकते हैं, कैसा नेता होना चाहिए आपका, जो यहाँ मतलब शहर का जो व्यवस्था है आप उससे खुश हैं, कितना संतुष्ट है? बढ़िया नेता होना चाहिए। आप जो आपके भागलपुर शहर की जो व्यवस्था आप उससे खुश हैं? हाँ खुश तो है। चलिए ये सर खुश हैं, आगे पूछते हैं, आइए आइए इधर पूछते हैं। आप बताइए अंकल कैसे हैं? नमस्ते। नमस्ते बोलिए। हाँ चुनाव का समय चल रहा है तो आपका? चुनाव में हूँ नहीं, मैं भागलपुर से हूँ, भागलपुर विधानसभा से हूँ।
तो मैं भागलपुर तो मैं तो आया हूँ अभी कुछ काम के लिए भागलपुर। अच्छा, कैसा नेता होना चाहिए? देखिए नेता के बारे में मुझे नहीं पता नेता कैसा होना चाहिए, और नेता यहाँ के कोई भी नेता नहीं है भागलपुर में, ऐसा कोई भी नेता अच्छा नहीं है इनका ये कहना। आइए बगल वाले भैया से पूछते हैं। भैया आपने अभी सुना, आपके मन में क्या लगता है, आपको क्या लगता है? नेता जो भी हो कोई ढंग का नेता हो तो थोड़ा सा वोटिंग करने में भी अच्छा लगता है, और बाकी तो जितना सब तो देख ही रहे हैं, आप लोग भी देख ही रहे हैं इस चीज से सारे, तो बाकी में आप लोग भी क्या नेता कोई ढंग का होना चाहिए। आइए आगे जो है कि आगे सवाल पूछते हैं इनके मन में क्या। चाचा आप बताइए कि जो अभी चुनाव का समय है, चारों तरफ चुनाव का माहौल है, कैसा नेता होना चाहिए? ठीक है, यहाँ तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है? यहाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये चाचा कह रहे हैं यहाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक है। यहाँ से बाहर निकलते हैं और आइए बगल में चलते हैं, पूछते हैं इधर यहाँ पे कैसे है चाचा? मेरा चाय का बिजनेस है, आगे में चाय बेच रहे हैं। अच्छा, पी लेंगे आपका चाय, आप चिंता मत कीजिए। ये बताइए अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, अभी किसी को तो टिकट नहीं मिला है, क्या बताएंगे क्या हल्ला है? टिकट मिलेगा तब ना। अच्छा, कैसा नेता होना चाहिए आपके नजर में? हाँ तो अभी हम लोग को है कौन मंडल है बुढ़ा जैसा है वही है, हाँ ऋषिकांड मंडल है। अच्छा। अब देखिए किसको टिकट मिलता है, मिलेगा तो जो बढ़िया है उसको मतदान करेगा। मतलब जो व्यवस्था सब है अभी यहाँ का उससे बिल्कुल संतुष्ट है? हाँ, यहाँ सब ठीक ठाक है, यहाँ कोई गंडोगोल नहीं है। चलिए यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है। चाची कहाँ जा रहे हैं तेजी में? जा रहे हैं मार्केट। अच्छा, मार्केट जा रहे हैं, अभी चुनाव आने वाला है, चुनाव का समय है, तो आपको क्या लगता है कैसा नेता होना चाहिए, कैसा नेता चुन रहे हैं? काम करने वाला होना चाहिए, काम करने वाला उम्मीदवार होना चाहिए ना। और क्या मतलब अभी जो आपका शहर का जो व्यवस्था सब है आप उससे बिल्कुल संतुष्ट हैं? संतुष्ट जनता कभी नहीं रहता, जनता कभी संतुष्ट नहीं रहता तो होता है। अच्छा, जो नेता काम करेगा उसी को देंगे, जो नेता काम करेगा उन्हीं को देंगे। चाची आगे चलिए, चलते हैं। तब अंकल कहाँ जा रहे हैं, आप साइड हट रहे हैं लेकिन आप ही से पूछ रहे हैं कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छा, ये बताइए कि चुनाव का समय है, चारों तरफ चुनाव का गहमा गहमी है, तो सबके मन में उत्सुकता है, सब जो है कि सब कुछ ना कुछ सोच रहा है, ये होना चाहिए वो होना, आप क्या सोच रहे हैं? हम तो सोच रहे हैं कि चुनाव होगा उसके बाद जो है अच्छी सरकार आएगी, जनता का जो है जो भी समस्या है वो समाधान होना चाहिए। मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, एक अच्छी सरकार आनी चाहिए ताकि जनता को कोई भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार बने। हम लोग यही चाहेंगे कि सरकार जो है अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाए, जनता के लिए जनता चुन के उनको भेजती है, और जनता उनको जो है अच्छे से काम कराने के लिए जनता का ही काम करे, वो अच्छे से काम करे ताकि जनता को कोई तकलीफ ना हो, मेरा यही कहना है। जी, तो चाचा का ये कहना है कि सरकार जो भी हो वो अच्छे से काम करे, जनता के लिए काम करे, जनता उनसे खुश हो। हालांकि किसी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, फिर भी सरकार पूरी कोशिश करे। चलिए यहाँ से अगले चौक पर चलते हैं और जानते हैं वहाँ की जनता की राय, आइए हमारे साथ। तो भैया हम अगले चौक पर पहुँच गए हैं, यहाँ गोलगप्पा का ठेला भी दिख रहा है, बहुत तीखा बनाता है, चटपटा, खाने में मज़ा आ गया, खा के टेस्ट भी कर लिए। आइए जानते हैं कि अब चुनाव के बारे में भी कुछ बातचीत हो जाए, खाली गोलगप्पे खाने से थोड़े चलेगा। आइए दीदी जी, नमस्ते। नमस्ते। फरमाइए ना, अभी चुनाव का समय है, वोट देने जा रहे हैं ना? अच्छा, तो नेता कैसा होना चाहिए आपको क्या लगता है? अच्छा, और क्या अच्छा हो और कुछ? पूरा दीदी जी लजा रही है एकदम, मुस्कुरा मुस्कुरा के चवनिया मुस्कान मार के बोल रही है। आप सब बताइए चाची नेता कैसा होना चाहिए? जैसा आप सब सोचिएगा उसे हम जो सोचेंगे, आप बताइए। बढ़िया होना चाहिए। बढ़िया होना चाहिए, दीदी लोग तो एकदम बहुत लजा रही है। चलिए आगे चाचे सबसे पूछते हैं, नेता सब कैसा होना चाहिए, इन लोग को क्या लगता है? नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। कैसे हैं? बहुत अच्छा है। अभी चुनाव का समय चल रहा है, चारों तरफ चुनाव का गहमा गहमी है, तो सबके मन में उत्सुकता है, सबको मतलब कुछ ना कुछ उमंग है, आपके मन में क्या है? मेरे मन में है कि जो हमको पुल बना देगा उसी नेता को हम लोग वोट देंगे। जो चाचा को पुल बना देगा,
आप बताइए, आपको क्या लगता है कैसा नेता होना चाहिए? नेता नया होना चाहिए, युवा नेता होना चाहिए, बढ़िया नेता होना चाहिए। युवा नेता होना चाहिए, बढ़िया नेता होना चाहिए। पूरा जो है कि समोसा का मजा उठा रहे हैं। बताइए कि चुनाव का समय है तो चुनाव में क्या मिजाज कैसा है आपका? चुनाव तो इलेक्शन तो होते रहता है, बट इलेक्शन में स्टूडेंट का कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अभी के समय में स्टूडेंट का देख लीजिए क्या सिचुएशन है, स्टूडेंट के बारे में कोई बात तक नहीं करता है। और बात करते आप इलेक्शन का, इलेक्शन में सब एक ही जैसा है, सब अपना जो है ढोल पीटता है इलेक्शन के समय, बाद बाकी बात सब जा करके सो जाता है। सब अपना ढोल पीटता है, अरे पॉलिटिकल लीडर अपना ढोल पीटता है, अरे कोई ऐसा नहीं जो इसे छूटा नहीं है। चलिए जो है इनको भी बड़ा तकलीफ है। सबसे पहले जो है ना पॉलिटिकल लीडर्स के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन को भी लागू किया जाए, जैसे कि बड़ी हायर पोस्ट के लिए ऑफिसर रैंक होता है तो उसी के लिए जब लीडर एजुकेटेड होगा तभी डेवलपमेंट होगा। अनएजुकेटेड लीडर क्या डेवलप करेगा, उसके पास क्या दिमाग? इनका कहना है कि लीडर एजुकेटेड होना चाहिए तभी जो है डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। चलिए चलते हैं। तो चलिए आ गए हैं अगले चौक पे और यह एक होटल में कुछ लोग खाना खा रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे उनकी मन की बात। चुनाव का समय चल रहा है, चारों तरफ चुनाव का गहमा गहमी है, सबके मन में उत्सुकता है कौन आएंगे और सत्ता में कैसे नेता आएंगे। आपको क्या लगता है क्या कैसे नेता होना चाहिए? नेता होना चाहिए जेन्युइन, जो कि होना चाहिए नीतीश जी के साथ, जो कि साफ सुथरा है। और क्या नीतीश बाबू आ जाए या रामविलास का लड़का जो है क्या नाम कहते हैं चिराग पासवान आ जाए, ये लोग चिराग भी ठीक ठाक आदमी है, ऐसे सब नेता का जरूरी भी है। अभी इनका आप सुने, आपको क्या लगता है कैसे होना चाहिए? मैडम नेता हो तो योगी जैसा ठीक है, क्योंकि हम यूपी से रहने वाले हैं बनारस के, और मेरी नज़र में वैसा नेता बिहार में कोई नहीं है। नीतीश जी ने पहले काम किया लेकिन नीतीश जी अब उस लायक नहीं रह गए हैं, जो क्लियर बात है मैं बता रहा हूँ। और नेता चाहिए तो योगी जैसा, नहीं तो और कोई नहीं है बिहार में। एक्चुअली हम यूपी के रहने वाले हैं बनारस के, इसलिए हम जो ओपिनियन था मैं अपना ओपिनियन बता दिया आपको। नेता से संतुष्ट हम लोग नहीं हैं, सरकार से संतुष्ट थे लेकिन अभी सरकार का भी रवैया देख करके हम लोग वो संतुष्ट हैं। सरकार का हम लोग को बैठा के रख दिया, मतलब को बाल बच्चा सब व्यर्थ बैठा हुआ है, सरकार कोई रोजगार नहीं दी बढ़िया से, मतलब बच्चे पढ़ लिख के बैठे हुए घर में, सबसे स्थिति खराब यही सरकार बना के रखा है। इसका शासन तो पूरा अफसरशाही शासन हो गया है, किसी का कोई बात मानता नहीं, मन भी नहीं करता कोई आदमी। आज हम बताते हैं कि जितना परसेंट काम हो रहा है बिना घूस का कोई कमी नहीं हो रहा है नीतीश जी के राज में। और दूसरा नंबर यह है कि करोड़ों विद्यार्थी परीक्षा दे के बैठे हैं, आज दिन तक बहाली करवे नहीं किया, इस करोड़ों विद्यार्थी का उसका लाइफ क्या होगा? ये क्या सोचा नीतीश जी ने अपने में? अपने में धोखा मार के वोट लेने का काम करता है लेकिन काम करने का काम नहीं कर रहा है, इसलिए इस सरकार से जनता खुश नहीं है, नई विद्यार्थी सब खुश है, नई उसका गार्जियन खुश है। इन्होंने बताया कि सरकार से जनता खुश नहीं है। आज की बातचीत जो थी आज यहीं तक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में एक अगले नए जगह पे, नए शब्दों के साथ, नए विचारों के साथ, नए बातचीत के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।